न्यूयॉर्क और पूरे देश में कोरोना संक्रमण बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आमजन सुधरना ही नहीं चाह रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बैतूल जिले की घोड़ा डोंगरी में सामने आया, जहां विवाह समारोह में सीमा से अधिक लोग इकट्ठा होने पर संबंधित के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जिले के विकास खंड घोड़ा डोंगरी के ग्राम धार गांव में एक विवाह समारोह में लगभग 250 व्यक्तियों की भीड़ जमा होने से आयोजक मुन्नीलाल वरामा के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है। तहसीलदार मोनिका विश्वकर्मा ने बताया कि कोविड गाइडलाइन के तहत वैवाहिक कार्यक्रम में केवल 50 लोगों की अनुमति है, इससे अधिक लोगों की उपस्थिति पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। ग्राम धारगांव में हमारे द्वारा जो है विवाह की अनुमति 50 लोगों की दी गई थी, जिसमें 25-25 वर वधु पक्ष को शामिल होकर शादी करनी थी, लेकिन हमारे पास एक वीडियो प्राप्त हुआ है, ग्रामवासियों से ही प्राप्त हुआ है, जिसमें 200 से 250 लोग जो है एक साथ खाना खाते हुए और बिना मास्क के बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे दी गई अनुमति का शर्तों का उल्लंघन है, इसलिए मेरे द्वारा उनके संबंधित आवेदक के क्या मामला दर्ज हुआ है उनके लिए धारा 188 के तहत जो है लॉकडाउन के उल्लंघन का और राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के तहत मामला।